हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का हमारा फर्दर चैप्टर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इस टॉपिक से, द क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब होता है सर्वोच्चता, मतलब सबसे ऊंचाई की पोजिशन पर क्लेम करना या पाना। ये बहुत क्लियर था फ्रॉम द अबव कि अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी जो थी परस्यूट कर रही थी एक एग्रेसिव पॉलिसी को टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के कारण धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लिया था। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, इनके जो गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उनके सुपरविजन में एक न्यू पॉलिसी जो थी पैरामाउंटसी की, वो इनिशिएट की गई, शुरू की गई। अब कंपनी का क्लेम जो था वो ये था कि उनकी अथॉरिटी जो थी वो पैरामाउंट होनी चाहिए थी, सुप्रीम होनी चाहिए थी, एकदम हाई लेवल की होनी चाहिए थी। और इसीलिए उनकी पावर जो थी वो ग्रेटर थी, और वो इसलिए क्योंकि उनकी पावर जो थी ग्रेटर थी एज कम्पेयर टू इंडियन स्टेट्स। और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जस्टिफाई किया गया था इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स बाय इंडियन किंगडम्स। और ये थ्रेटन जो था, जो डर था इंडियन किंगडम से कनेक्ट होने के लिए, ये जो जस्टिफाई करना था। ये व्यू कंटिन्यू हुआ टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और ये प्रोसेस जो थी, हाउएवर, ये अनचैलेंज नहीं रही, डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जांपल, जब ब्रिटिश ने ट्राई किया अनेक्स करने के लिए स्मॉल स्टेट्स को, जो कितूर के थे, जो कर्नाटका में है अभी कितूर, वो जब पाने की कोशिश किया, उस पर कॉन्कर करने की कोशिश की, तो रानी चेन्नम्मा जो थी उन्होंने अपने हाथों में आर्म्स ले लिए या लड़ाई करने के लिए खड़ी हो गई। और उसके कारण उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट भी चलाया था, और उसके कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, और फिर वो प्रिजन में ही, मतलब जेल में ही 1829 में, आफ्टर 5 ईयर्स वहां पर ही वो उनकी डेथ मतलब उनकी डेथ हो गई। बट रैना जो थे, एक पुअर चौकीदार जो था संगोली का कितूर में, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को या इस मूवमेंट को शुरू रखा। पॉपुलर सपोर्ट उन्हें मिला था, और इस पॉपुलर सपोर्ट के साथ में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स को भी और रिकॉर्ड्स को भी। वो बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दी गई थी ब्रिटिश के थ्रू 1830 में। आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, बहुत सारे केसेस जो है रेजिस्टेंस के, इनके बारे में हम जानेंगे इस बुक में फर्दर। लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्हें चिंता होने लगी रशिया के बारे में। ये इमेजिन किया था कि रशिया जो है माइट अपना एक्सपांड कर रहा है, अपने पावर को एक्सपांड करना चाहता है एशिया के अक्रॉस में, और फिर वो धीरे धीरे इंडिया में एंटर करेगा नॉर्थ वेस्ट से। और ड्रिवन बाय द फियर, फियर के डर से ब्रिटिश जो थे अब चाहते थे कि वो अपने नॉर्थ वेस्ट की जगह को कंट्रोल करें या उसे सिक्योर करके रखें, ताकि रशिया उस पर अपना हक ना जमा सके। तो उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, प्रोलॉन्ग वॉर किया था अफगानिस्तान के साथ, जो 1838 से 1842 के बीच में हुआ। और देन उन्होंने एस्टैब्लिश किया इनडायरेक्ट कंपनी रूल को वहां पर भी। सिंध जो थे, वो सिंध जो था उसके ऊपर जो था हक आ गया था 1843 में। उसके बाद में ये लाइन जो थी वो पंजाब के ऊपर गई, या पंजाब को अपने अंडर में लिया। बट प्रेजेंस जो था महाराजा रणजीत सिंह का, उन्होंने कंपनी को वापस भेज दिया। जब डेथ हुई 1839 में, तो दो प्रोलॉन्ग वॉर्स जो थे वो लड़े गए थे सिख किंगडम के साथ में, और अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब जो था उन्हें भी अपने अंडर में उन्होंने ले लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, तो फाइनल वेव जो था एनेक्सेशन का, वो ऑकर्ड हुआ था लॉर्ड डलहौजी के अंडर में, जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच में। उन्होंने रिवाइज की थी एक पॉलिसी को, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया। डॉक्ट्रिन डिक्लेयर करती थी कि अगर कोई इंडियन रूलर है और वो जब मरता है, तो उसके मरने के बाद अगर उसके कह सकते हैं कि उसके आगे की जनरेशन में अगर कोई मेल नहीं है, तो उसका किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगा, और वो पार्ट हो जाएगा कंपनी की टेरिटरी का, मतलब वो पूरा का पूरा किंगडम जो है कंपनी के अंडर में चले जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर, और इस तरह से एक के बाद एक किंगडम्स जो है वो अनेक्स होते गए, बस ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके। सातारा जो इस 1848 में हुआ, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854, फाइनली 1856 में कंपनी जो थी उन्होंने अवध पे भी अपना जो हक है वो जमा लिया था।
इस टाइम पे ब्रिटिश जो थे उन्होंने ऐड किया था एक आर्गुमेंट को, उन्होंने कहा था कि वो ऑब्लिक्ट हो गए हैं बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। और अब वो चाहते थे कि अवध के लोगों को वो नवाब जो थे वहाँ के उनके मिसगवर्नमेंट से वो बचाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इन फैक्ट बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच नवाब वॉज डिपोज। और फिर उन्होंने नवाब को भी उनकी पोजिशन से वहाँ से हटा दिया। पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। और इसके कारण जो अवध के लोग थे उन्होंने एक वॉर जो है वो छेड़ दिया था, जो रिवॉल्ट है वो छेड़ दिया था 1857 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीन मैप्स दिए गए हैं हमें, और मैप में हमें बताया कि किस तरह से ब्रिटिश की पावर जो है वो फैलते जा रही थी। मैप वन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो येलो कलर दिखा है ये ब्रिटिश के अंडर में था, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना हक जो है या अपना सिक्का जो है कैसे हर जगह जमा लिया। सेकेंड मैप में आप देखिए कि येलो वाला जो हमारा एरिया है वो किस तरह से बढ़ रहा है, और फाइनली थर्ड वाले में देखिए मेजोरिटी एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था या ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब बात करेंगे नए एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1773 टू 1785, ये वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स में माने जाते थे जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कंपनी के एक्सपांशन के लिए, कंपनी के पावर के एक्सपांशन के लिए। और इस टाइम पे कंपनी जो थी उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था पावर ना कि सिर्फ बंगाल में बट बॉम्बे और मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वो ब्रॉडली डिवाइड की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसे प्रेसिडेंसीज कहा गया था। और ये थ्री प्रेसिडेंसीज जो थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की, ये तीन प्रेसिडेंसीज थी। और ये हर एक रूल की गई थी गवर्नर के थ्रू। सुप्रीम हेड जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो गवर्नर जनरल ही थे। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, और नोटेबली इन द स्पीयर ऑफ जस्टिस, और वो जस्टिस के लिए ही उन्होंने किया था। फ्रॉम 1772 एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो एस्टेब्लिश की गई, और हर डिस्ट्रिक्ट जो थी उनके पास दो कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट मतलब फौजदारी अदालत और दूसरा सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहा गया। मालवीज, मौलवीज और हिंदू पंडित जो थे वो इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉज को यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, जो प्रिसाइड करते थे ओवर सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे वो भी स्टिल अंडर काजी थे, काजी मतलब कोई जज वहां पर होता, एंड मुफ्ती, बट अंडर मुफ्ती मतलब एक जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सपोंड करने के लिए लॉ, जो काजी जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उन्हें बताने के लिए वो मुफ्ती होते, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, मतलब कलेक्टर के सुपरविजन में काजी और मुफ्ती के प्रेजेंस में क्रिमिनल कोर्ट जो थी वो डिसीजन देती थी। यहाँ पे हमें जो पिक्चर दी गई है ये हम देख सकते हैं, ये ट्रायल है वॉरेन हेस्टिंग का, ये पेंटिंग की है आरजी पोलैंड ने बनाई गई है। मेजर प्रॉब्लम जो था वो ये था कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देते थे लोकल लॉज के बारे में, जो बेस होते थे डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र के बारे में। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, अब सब लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं तो किस चीज़ पर विश्वास करना है, तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए, एक चीज़ को लाने के लिए इन 1775 11 पंडित्स को बुलाया गया कि वो कंपाइल करें टू डाइजेस्ट अ हिंदू लॉ। एन बी हेलहेड ने ट्रांसलेट किया इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में। बाय 1778 एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉज जो है वो बनाया गया था, जो कंपाइल किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था एक न्यू सुप्रीम कोर्ट जो थी वो एस्टेब्लिश की गई। पहले कोर्ट ऑफ अपील जो थी सदर निजामत अदालत मानी गई थी, और ये सेटअप की गई थी कलकत्ता में। प्रिंसिपल फिगर जो थी इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट की वो थी कलेक्टर की, और एज अ टाइटल सजेस्ट मेन जॉब जो था वो था कलेक्ट करना रेवेन्यू को, टैक्सेस को, और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास पुलिस ऑफिसर्स और जजेस की हेल्प लेकर कलेक्ट करना रेवेन्यूज, टैक्सेस और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, ये काम था कलेक्टर का। उनका ऑफिस द कलेक्टोरेट जो था वो न्यू सेंटर था पावर और पैट्रोनेज का, जो स्टेडीली रिप्लेस किया गया प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी से। तो
तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ तक हमने देखा है, इस चैप्टर में हमने ये चीजें देखी कि किस तरह से कंपनी जो थी उन्होंने किस तरह से अलग अलग चीजों पर अपना हक जमा लिया था। तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर कंप्लीट होता है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।